हाथ में बंसी उसके एक हाथ चक्र संहार है, मेरा कान्हा बंसी वाला सबका पालनहार है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को पूरे देश में बड़े ही धूमधाम के साथ कृष्ण जन्माष्टमी पर्व के रूप में मनाया जाता है। हिंदू धर्म के सबसे खास त्योहारों में से एक श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन लोग उपवास रखकर घर परिवार की सुख और शांति के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं। मथुरा में यह त्यौहार और भी विशेष उत्सव के साथ मनाया जाता है। मथुरा भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत रखने और भगवान की विशेष पूजा अर्चना करने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। संतान प्राप्ति, आयु और समृद्धि के लिए जन्माष्टमी पर्व का विशेष महत्व है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म मध्य रात्रि के समय कारागार में हुआ था। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार भगवान कृष्ण को विष्णु का अवतार माना जाता है। यही कारण है कि यह पर्व विशेष महत्व रखता है। भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद और कृपा पाने के लिए इस दिन लोग उपवास रखने के साथ विधि विधान से पूजा और भजन करते हैं। मंदिरों में विशेष सजावट करके भगवान की प्रकटो उत्सव को विशेष उत्साह के साथ मनाया जाता है। कुछ स्थानों में दही हांडी का भी उत्सव रखा जाता है। मध्य रात्रि के समय भगवान के जन्मोत्सव के समय सभी लोग मंदिरों में एकत्रित होकर विशेष पूजा करते हैं। घर में मौजूद भगवान की प्रतिमा को पीले रंग के वस्त्र पहनाकर धूप दीप से वंदन करेंगे। भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए सभी लोगों को श्रद्धा अनुसार उपवास और विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए। घर में मौजूद भगवान की प्रतिमा को पीले रंग के वस्त्र पहनाकर धूप दीप से वंदन करें। भगवान को पुष्प अर्पित करें, चंदन लगाएं। भगवान कृष्ण को दूध दही मक्खन विशेष पसंद है, ऐसे में इसका प्रसाद बनाएं और भगवान को अर्पित करें। सभी को वही प्रसाद दें। हमारे सभी दर्शकों को हमारी ओर से श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई।